हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैप के बारे में। जो हमारा इंडिया का मैप है वो हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि सीटेट के एग्जाम में मैप के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन तो आता ही है कि अरब सागर के तटीय क्षेत्र का नाम बताओ, तटीय राज्य का नाम बताओ, या बंगाल की खाड़ी का तटीय राज्य का नाम बताओ, या इसमें से कौन सा तटीय राज्य नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, तो वो हमें याद करने जरूरी है कि कौन से तटीय क्षेत्र है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग लर्न करेंगे अरब सागर के तटीय राज्य के बारे में। ठीक है, तो आप लोग जानते ही होंगे कि तटीय राज्य क्या होता है, कि जो समुद्र है ना उसके बाजू में कौन सा स्टेट आता है वो हमको बताना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा नीचे वाला हिस्सा जो है, इंडिया का नीचे वाला हिस्सा, वो समुद्र से ही घिरा हुआ है। ठीक है, अगर आप जानेंगे इस तरफ वेस्ट की तरफ या फिर पश्चिम की तरफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अरब सागर है। ठीक है, पहले ये क्वेश्चंस भी आते थे कि पश्चिम की तरफ कौन सा सागर है, पूर्व की तरफ कौन सी खाड़ी है, ये क्वेश्चंस पहले आते थे, पर अब सीटेट का जो लेवल है वो काफी हाई हो चुका है, तो अब इतने छोटे क्वेश्चंस या इतने इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया अरब सागर है। अब ये अरब सागर के तटीय क्षेत्र में कौन से राज्य हैं, ये सारे राज्य हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो पूर्व है या फिर ईस्ट में कौन सी खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी है कि नहीं, तो ये नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन सा राज्य है वो बताइए, लिखा रहेगा पूरा नाम, वो आपको सही टिक लगाना होगा। ठीक है, आपको पहले पता होगा तभी आप टिक लगा पाओगे, तो ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी क्वेश्चन आता है कि अरब सागर में के राज्य का नाम बताओ। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि कौन से राज्य है। तो अगर हम पहले राज्य की बात करें, तो ये जो है ये कौन सा राज्य है, आप देख सकते हैं पूरा ये जो राज्य है ना, यहां से लेकर पूरा यहां तक ये पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो ये है गुजरात राज्य। यह क्या है, फर्स्ट गुजरात। ठीक है, तो जो गुजरात है वो अरब सागर की तरफ आता है। ठीक है, इसके बाद बाजू में इसके मध्य प्रदेश है, तो क्या मध्य प्रदेश तटीय क्षेत्र होगा बताइए, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसके बाजू में तो कोई भी समुद्र नहीं है, राइट। तो जो मध्य प्रदेश है वो नहीं होगा। तो आपको जब पता होगा कौन सा तटीय क्षेत्र है, तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे एग्जाम में। अब चलिए देखते हैं नीचे वाला, तो नीचे में यहां पर कौन सा स्टेट आएगा, ये है हमारा महाराष्ट्र। ठीक है, अब महाराष्ट्र भी क्या है, तटीय क्षेत्र है, क्योंकि समुद्र के किनारे ये राज्य बसा हुआ है। ठीक है, तो गुजरात हो गया, सेकंड क्या रहेगा महाराष्ट्र, थर्ड क्या है इधर क्या आएगा आपका कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका जो है वो भी क्या है, तटीय क्षेत्र, एक ऐसा राज्य है जो अरब सागर के तटीय क्षेत्र में बसा हुआ है। ठीक है, कितने हो गए आपके अरब सागर में, एक दो तीन, एक और है जस्ट कर्नाटका के नीचे क्या आएगा आपका केरला। ठीक है, जो केरला है वो भी क्या है, अरब सागर का तटीय क्षेत्र है, वो अरब सागर के साथ क्या करता है, अरब सागर के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो ये जो चार राज्य है ना, ये आते हैं अरब सागर के तटीय राज्य। ठीक है, कौन से हैं आपको फिर से, गुजरात प्लस महाराष्ट्र प्लस कर्नाटका प्लस केरला। ठीक है, ये जो चार राज्य हैं वो किस तरफ है, अरब सागर की तरफ है, याद हो जाएगा आपको। अब देखते हैं बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से राज्य हैं। तो स्टार्ट करते हैं नीचे से, तो ये जो फर्स्ट है ये क्या है, ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन भी बहुत आते हैं,
एक ना एक क्वेश्चन तो आपको इसमें से देखने को मिल ही जाएगा, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन मैथ के रिगार्डिंग हर साल एवरी ईयर एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो ये जो हिस्सा है आपका इधर नीचे वाला, ये क्या रहेगा? तमिलनाडु। ओके, जस्ट अगर उसके ऊपर की बात करें हम तो ये क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश है वो किस तरफ आएगा? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो ये भी हमें याद करना है, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ आता है, ठीक है। इसके बाद उसके ऊपर की हम बात करें, ये जो है ये है तेलंगाना, ठीक है। तो क्या तेलंगाना बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में आता है या नहीं आता है? बताइए, आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि तेलंगाना तो बीच में है, तेलंगाना के चारों तरफ क्या है? राज्य है। यहाँ कर्नाटका है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर उड़ीसा है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो जो तेलंगाना है वो तटीय क्षेत्र में नहीं आएगा। तटीय क्षेत्र में वही राज्य आते हैं जो समुद्र के किनारे होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा ये। और इसके बाद उसके ऊपर का ये हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? ये वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो दोनों तरफ देखा जाए तो सेम ही स्टेट्स हैं। यहाँ पर भी कितने हैं? एक दो तीन चार। यहाँ पे कितने हैं? एक दो तीन चार। दोनों तरफ चार चार स्टेट हैं जो तटीय क्षेत्र है, तटीय राज्य है, ठीक है। अगर हम इस तरफ की बात करें तो क्या है? तमिलनाडु प्लस आंध्र प्रदेश प्लस ओडिशा प्लस वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये चार राज्य है और ये हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में आता ही है कि कौन सा राज्य तटीय क्षेत्र नहीं है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरला, ठीक है। तो ऐसा कुछ चार ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी, तो कौन सा नहीं है। तो जब आपको कौन से है वो पता रहेंगे तभी तो आप नहीं वाला डिसाइड कर पाएंगे, राइट। तो समझ लो मध्य प्रदेश नहीं है तो आपको उसमें टिक लगाना है, ठीक है। कभी कभी एक एक ऑप्शन में चार चार दिए रहेंगे, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, ये तो सही हो जाएगा। एक रहेगा गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, केरला, ऐसे तीन चार क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो सब में एक ना एक गलत रहेगा, एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें चारों ऑप्शन सही रहेंगे, जिसमें पूरा दिया रहेगा गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तो आपको उसी आंसर में टिक लगाना होगा, ठीक है। तो ये है पूरा मैप, ये पूरा एक मार्क्स का आपको एग्जाम में जितने भी आपने पीवाई को अगर सॉल्व किए होंगे तो आपको दिखाई होगा। तो आपको मैप पे फोकस करना जरूरी है। एक बार आपको ये जो आठ स्टेट है ना वो याद करना पड़ेगा कि कौन सा अरब की तरफ है और कौन सा बंगाल की खाड़ी की तरफ है, ठीक है। तो अरब की तरफ चार है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, और अगर आप देखो तो छोटा सा यहाँ पे गोवा भी होता है, ठीक है। और गोवा का ऑप्शन डालते हैं समटाइम्स, समटाइम्स नहीं भी डालते हैं। तो जो गोवा है वो भी कहाँ आता है आपका? अरब की तरफ, ठीक है। और वो कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच का छोटा सा प्लेस है, छोटा सा एक राज्य है गोवा, ठीक है। तो वो आप याद रखिएगा, ये मिस हो गया है। और गोवा का ऑप्शन इतना ज्यादा आता भी नहीं है, तो ये आपका गोवा है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के बीच में, ठीक है। तो ये जो गोवा है वो भी एक स्टेट है और ये हो जाएंगे आपको टोटल पांच राज्य, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये गोवा भी ऐड कर लेते हैं, तो टोटल पांच स्टेट जो है वो अरब सागर की तरफ आएंगे, ठीक है। गोवा हो जाएगा, फिर कर्नाटका एंड केरला, इस तरफ चार रहेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके बाद उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तो ये आपको याद रहेगा तो डेफिनेटली एक मार्क्स तो आपका फिक्स हो गया है, इस वीडियो से एक मार्क्स तो आपका कहीं नहीं गया है, ओके। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।